हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकती हैं कि मेरे भी बिग फोरहेड है और किसी को पता भी नहीं चलता कि मेरा फोरहेड बड़ा है और मैं इस तरह से मैनेज करके रखती हूं कि और मैं दिखाती हूं मैं क्या क्या ट्रिक यूज़ करती हूं अपने फोरहेड को मिनिमाइज करने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो ट्रिक्स है मेरा वो ये है कि जब भी आप आईब्रो सेट कराने जाती हैं तो आप अपना फोरहेड भी जरूर करवाया करिए उस समय। और फोरहेड आपको कैसे कराना है, आप देख सकती हैं कि हम लोग का जो ये हेयर है यहाँ पे आप दोनों तरफ साइड में देखेंगे कि यहाँ से धीरे धीरे नीचे आने लगता है। तो आप पेंसिल से हल्का सा मार्क कर लीजिए नीचे का जितना भाग है उसको फोरहेड करा लीजिए, ऊपर वाला जो पार्ट है उसको छोड़ दीजिए, उसको आप फोरहेड नहीं कराइएगा ऊपर में। तो ये इतने जो है आपको डिफरेंस तुरंत पता चलेगा कि आपका फोरहेड जो है छोटा है। और हमेशा इसको आप मेंटेन करिएगा इस चीज़ को कि फोरहेड आप हमेशा कराइएगा तो ये बिल्कुल चिकना लगेगा। और ऊपर का जो है उसको छोड़ दीजिएगा, एक एक एंगल एक फिंगर से या फिर आपके जैसा भी जितना भी बड़ा फोरहेड है उस हिसाब से एक डेढ़ इंच एक डेढ़ फिंगर के हिसाब से एक इंच मैक्सिमम हो जाएगा। तो आप उतना छोड़ के उसके बाद आप उसको फोरहेड करा लीजिए। तो सेकंड ट्रिक के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ वो है आई शेडो या फिर आप ब्रॉन्जर भी ले सकती हैं। तो इसमें से जो ब्राउन कलर है मैं यहाँ पे ब्राउन कलर ले रही हूँ, तो ब्राउन कलर है उससे हल्का हल्का सा इसको लगा दूंगी तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, हल्का सा डार्क, एकदम ज़्यादा पता नहीं चलना चाहिए अलग से। लेकिन ये ट्रिक सिर्फ नाइट में करिएगा, दिन में करने से अगर सन लाइट पड़ेगा तो पता चल जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो दिन में नहीं करना है इसको, नाइट में करना है केवल, जब नाइट में आप किसी पार्टी में जा रही हो उस टाइम पे इसको करेंगे, बहुत सुंदर लगेगा, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। आप चाहे जैसा भी हेयर स्टाइल बनाएंगी तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो सेकेंड ट्रिक है ये। तो फ्रेंड्स, थर्ड ट्रिक जो है वो मेरा दिन के लिए है। जब दिन में आपको अगर बाहर जाना है ऑफिस वगैरह या फिर कहीं पर भी आप किसी पार्टी में या फिर कहीं घूमने भी जा रही हैं तो आप अपने यहाँ पे लगाएंगी, आप आई शेडो का ही यूज़ करेंगी और इन सब जगह को फिल करेंगी, जितने भी मांग वाला जो एरिया है आसपास थोड़ा सा भी लाइट लगता है हेयर उनको फिल करेंगी। उससे क्या होगा कि जब ऊपर से सनलाइट पड़ेगा तो ये विजिबल नहीं होगा, डार्क रहेगा तो आपकी मांग नहीं दिखेगी, क्योंकि सनलाइट के कारण ये सब हेयर थोड़े से हल्के भी हो जाते हैं यहाँ के, तो ये और भी ज़्यादा बड़ा दिखने लगता है फोरहेड। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा इसमें लगा देंगी या फिर आप काजल को भी उंगली पे लेके हल्का हल्का सा लगा लेंगी तो भी पता नहीं चलेगा। मैं कई बार आई शेडो नहीं लगा कर काजल को भी उंगली में ऐसे निकाल के ऐसे ऐसे और लगा लेती हूँ, पता नहीं चलता बिल्कुल भी। ऐसे ही दिन में मैं बाहर निकल जाती हूँ इस तरह से करके, हाँ लगता है किसी को पता नहीं चलता है और आपका काम भी हो जाता है, नुकसान भी नहीं करेगा, काजल है तो बहुत अच्छा ट्रिक है ये। तो आप इस तरह से भी करेंगी तो भी जितने भी मांग वाला एरिया है ना उन सबको फिल कर लीजिए हल्का हल्का, बाहर मत निकालिएगा, अंदर अंदर पूरा जितना जहाँ से हेयर स्टार्ट होते हैं वहाँ से पूरा फिल कर लीजिएगा, ये बहुत सुंदर लगेगा। आप कैसे भी हेयर स्टाइल करेंगी आपका फोरहेड पता चलेगा ही नहीं। देखिए मैं, आप देखिए मैं पफ भी बना लेती हूँ, अपने बालों को पीछे करके भी इस तरह से कॉम कर लेती हूँ तो भी बिल्कुल भी पता नहीं चलता, अच्छा लगता है देखने में। तो आप थोड़ा सा ट्रिक से अपने हेयर स्टाइल को बनाएंगी और थोड़ा थोड़ा सा चीज़ है आप मैनेज कर लीजिए आप, तो फोरहेड बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा आपका। तो आप ऐसा प्लेन मस्कारा वाला ब्रश या फिर टूथब्रश ले लीजिए, उससे क्या करेंगी कि जो हेयर है यहाँ पे जो बेबी हेयर होते हैं बहुत सारे होते हैं जो हम लोग को पता नहीं चलते, इन सबको आप कॉम कर लीजिए। उसके बाद ये मस्कारा लेंगे, मस्कारा से इसको थोड़ा थोड़ा मस्कारा लगा देंगे तो इससे क्या होगा ना ये, क्योंकि यहाँ के हेयर तो लाइट हो रहते हैं जो बेबी हेयर होते हैं तो ये इससे क्या होगा ना ये डार्क हो जाएंगे और बिखरे बिखरे से नहीं लगेंगे, थोड़ा सेटल रहेंगे तो ये भी तभी आपके जो हेयर है वो घने घने से दिखेंगे और पता नहीं चलेगा, बिग फोरहेड आपका बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा,
आप बीच की मांग भी निकाल सकती हैं, साइड पार्टीशन कर सकती हैं, पूरे बाल को पीछे पफ भी बना सकती हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो ट्रिक्स है मेरा वो है कॉम्बिंग को लेकर। आप जब भी हेयर स्टाइल बनाइएगा, कुछ भी कहीं भी बाहर जाना हो, तो हमेशा पहले बैक कॉम्बिंग करिएगा। थोड़ा सा बाल लेंगे आगे और उसको बैक कॉम्बिंग करेंगे। इससे क्या है ना, वॉल्यूम आ जाएगा बालों में, ऐसे चिपका चिपका सा नहीं लगेगा। चिपका चिपका बालों को मत रखिएगा, हमेशा शैम्पू करके रखिएगा बालों में, तो हमेशा ये बाउंसी लगेंगे और अच्छे भी लगेंगे। और जैसे ट्रिक्स मैंने बताया वैसे फॉलो करेंगी तो कभी भी आपके फोरहेड बड़े नहीं लगेंगे। इस तरह से आप बाल को ओपन करके भी रख सकती हैं, आप चाहे जैसे भी हेयर स्टाइल बनाना चाहे बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो ट्रिक है मेरा वो ये है कि आप अपने फेस को बिल्कुल ऐसे प्लेन छोड़ने के बजाय आप कुछ कानों में स्टेटमेंट इयररिंग्स जो भी आपको पसंद हो वो पहने। बिंदी लगाती है तो बिंदी लगाइए। कुछ स्टाइलिस्ट ये सब इयररिंग्स वगैरह पहनेंगी ना तो आपके माथे को हाईलाइट नहीं करेगा। कुछ ना कुछ आप एक्सेसरीज पहनिए जिससे अपने जो प्लस पॉइंट है आपके फेस का आप उसको हाईलाइट करिए। और इन सबको पहनेंगी तो थोड़ा सा ब्रेक लगेगा। एक प्लेन पेज को अगर आप देखें या फिर उसमें अगर कुछ डिज़ाइन बने होते हैं तो हम लोग का नज़र जो है उस डिज़ाइन पे जाता है, प्लेन पेज पे नहीं जाता। तो उसी तरह है, और बिंदियाँ भी लगा सकती हैं। बिंदी तो वैसे भी मैंने लगाया है प्लेन, और बहुत सारी बिंदियाँ हैं, बड़ी छोटी जैसे भी आपको पसंद हो। तो मैक्सिमम तो मैं यही बिंदी लगाती हूँ, ये देख रही मैंने यही लगाया है अभी। इससे भी फेस बहुत सुंदर लगता है और छोटा भी दिखता है फेस। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगी हेयर स्टाइल को लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बनी रहिए मेरे चैनल पर। धन्यवाद।